चेक करें क्या बात है भाई साहब, कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े हैं, खुशबू बहुत ही मज़ेदार है। कैमी आप चेक कर सकते हैं जी, सुबह के हो चुके हैं 12। अल्लाह बड़ा फजल है, अल्लाह पाक ने साडा नाम बनाया जी। बहुत ही मजेदार सी चटनी है भाई, पहली दफा ट्राई कर रहे हैं या पहले भी कभी किया है? रोजाना आते हैं, चास आ रही है फिर खाने की। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आपका भाई, एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर रहते हो जी। किंगरा के एपिसोड 2 में आप सबको वेलकम करता हूं जी। लास्ट हमने जी नाश्ता किया था, लाहौरी नाश्ता, लाहौर में नहीं था किया बल्कि सियालकोट के छोटे से अड्डे किंगरा में किया था। तो एपिसोड 2 है जी आज किंगरा की। ये मौसम आप चेक कर सकते हैं, पहले से भी ज़्यादा, उस दिन भी मौसम अच्छा था और आज तो फुल जी स्पाइसी किस्म के खाने वाला मौसम है। तो जो भी होता है सीन आपके साथ शेयर करते हैं। सुबह सुबह गोश्त हो चुका है, ये जी बीफ का गोश्त है। मैं मौजूद हूँ जी किंगरा के मेन अड्डे में, गैमा गैमी फुल हो चुकी है, सुबह के 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। मौसम एंड लेवल का जी, मौसम को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जी ट्राई फैसला किया है कि आज हम जी किंगरा के मशहूर पकौड़ों को खाएंगे जी। इस वक्त मैं जिधर खड़ा हूँ ये आप कह सकते हैं, आप किंगरा का आप व्यू दिखा सकते हैं जी। और जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ ये सियालकोट रोड है, अड्डा किंगरा है। इसकी लोकेशन जो पकौड़ वाली दुकान है वो सामने है जी, सबजकोट रोड है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के क्रिस्पी से पकौड़े जी किंगरा ढाबे। तो आ जाए इस वक्त मैं पहुंच चुका जी बाजतली अल मशहूर किंगरा के पकोड़ा शॉप, आप कह सकते हैं मेरे पीछे देख सकते हैं जी। पहले इसकी लोकेशन थी मेन बाजार किंगरा में, लेकिन अब शिफ्ट हो गई भाई, लोग इधर आ चुके हैं। मंगल क्या हाल चाल? भाई जान बड़ा नाम सुना है बाजतली पकोड़ा शॉप, आज माशाल्लाह विजिट भी हो गया पर्सनली, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बता दें जी आपका क्या रेसिपी है आपकी, और कितनी टाइम से लेके कितनी देर तक आप जो है सर्व करते हैं? बड़ा फजल है, अल्लाह पाक ने साडा नाम बनाया जी। पकौड़े की इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसमें पकवान बेचा ना जी, अच्छे यही जो मसाले जात डालते हैं मेरे ख्याल से यही आपके पकौड़ा की रेसिपी को क्रिस्पी कर देता है। ठीक हो गया, ठीक है। बाकी ना वजदा फिर किंगरे अड्डे जी या किंगरे तो बाहर भी है माशाल्लाह। ठीक हो गया जी माशाल्लाह, करते हैं ट्राई आपके पकौड़े जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात है। ये चेक करें जी भाई, हिला रहे हैं फुल, पालक शालक डाल के पकौड़ा रेसिपी तैयार हो गया। ये अभी मिक्स करके फुली घी इधर गर्म हो चुका है जी, पकौड़े डालते हुए आपको दिखा देते हैं सीन सारे। ओए होए 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 होए, चेक करें क्या बात है, खुशबू अभी से भाई जान एंड लेवल। निकल रश इधर काफ़ी होता है, हम जल्दी आ गए ऐसी बात है, थोड़ा सा जल्दी आ गए। तो भाई जान हम आ गए हैं तकरीबन 11 बजे, भाई कह रहे हैं 12 बजे से बाद जी अड्डा नहीं रश ज़्यादा हो जाता है। इनकी खास बात यह है जो इस प्लेटर में जी पकौड़े आएंगे, इधर टिकने नहीं हैं पकौड़े, ये दस्ती जी इधर से गाय, ऐसी बात है भाई। ये चेक करें भाई जान, आ गए हैं प्लेटर में पहला पराठा। ये पकौड़ों के लिए पालक हटी जा रही है, रेसिपी का जो राज है पकौड़ों का वो इनके ये मसाला जात है जो इन्होंने लटकाए हुए हैं। भाई का कहना है कि ये मसाला जात हम डालते हैं जो हमने लटकाए हुए हैं,
इससे हमारे पकौड़ों की रेसिपी मज़ीद जो है ना वो क्रिस्पी हो जाती है। ये है जी इनकी दूसरी स्पेशल चटनी। ये किस किस चीज से तैयार होती है भाई जान? ये दही प्याज, दही प्याज और नींबू, हरी मिर्च वगैरह ये चेक कर सकते हैं। कहना कि आप कुछ ज्यादा ही आ गए हैं, जल्दी टाइम अभी 11 का। तो खैर आज हम ही अंकल का पहला परागा जो है ट्राई करेंगे, आपके साथ सब शेयर करते हैं। ये जी इनका सीटिंग प्लान, अंदर फुल देसी माहौल है जी, टेबल रखे हुए हैं और अंदर की खा रहे हैं वाम पकौड़ा, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई पहली दफा ट्राई कर रहे हैं या पहले भी कभी किया है? रोजाना आते हैं, चास आ रही है फिर खाने की आपको भी भाई, पूरी मजा आ रहा है भाई जान। नाम सुना स्पेशल जी, वाजिद अली पकौड़ा का, सियालकोट से आए हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं भाई जान, फुली मजे ले रहे। अभी इधर हमारा ऑर्डर भी आ गया जी, हम भी आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। ये चेक करें नान चटनी, इनकी दो तरह की चटनी है, एक जी फुल प्याज वाली सूखी चटनी है और साथ ये जी और ये पकौड़े। ऑर्डर ले एकदम बैठ चुके हैं, ये चेक करें जी इनकी पकौड़ा गर्मा गर्म हो, पहले पकौड़ा हम इसके साथ दिखा रहे हैं, भजन क्रिस्पी एंड लेवल के पकौड़े हैं। एक थोड़ी जी नान की साथ देते हैं, ये पकौड़े फुल हैवी किस्म के बाइक आप देखें, इनकी अभी स्पेशल चटनी सूखी चटनी है, चेक करें ये साथ सब इनके पकौड़ों का अपना जो लेवल है, लेकिन इनकी चटनी का अपना लेवल है, चेक करें सूखी सी चटनी है, मैंने पकौड़े से ज्यादा चटनी ली है जी। ये हम लोग हो चुके हैं फ्री, ये चेक कर सकते हैं, फ्री नहीं हमने खाए क्योंकि पकौड़ों का मैं शौकीन इतना नहीं हूँ, बाकी टेस्ट इनका एंड लेवल पे। आपने जरूर इधर विजिट करना है, किंगरा रोड है और किंगरा रोड अड्डा किंगरा सॉरी और सियालकोट सबसकोट रोड है इधर, ये सामने जी वाजिद अली पकौड़ा की शॉप, इधर से आपने जब भी गुजरे इनको विजिट करके जाना, मजा आया माशाल्लाह जी आपके पकौड़े ठाएगा। अभी तो रश काम ही है लेकिन हमने जी फुल इंजॉय किया आपके पकौड़े रेसिपी को, और अंकल ने कहा जी आपसे पैसे नहीं लेने, ये अंकल की मोहब्बत है जी, और जाते जाते हमने पैक भी करवा लिए भाई जान, ये छापर बुटा दें, ये जाते जाते जी इनके स्वाद हमने पैक ही करवा दिए हैं। इंशाल्लाह हम फिर कभी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, ओके अल्लाह।